एक घोषणा ऐसी है कि हरियाणा में जगह जगह नेशनल हाईवे के टोल्स हैं, वो तो नेशनल हाईवे वाले जाने। एक हमारी सड़क HSIDC की है बड़ी, उसका ठीक चल रहा है सारा सिस्टम। उसका जो टोल कलेक्शन का वो जो रेगुलर सिस्टम है ताकि उसका जो पैसे उसे पूरे हो जाए। लेकिन PWD की कुछ सड़कें ऐसी हैं जिनमें कमर्शियल टोल लगे हुए हैं, तो उन कमर्शियल टोल में 6 टोल ऐसे हैं जो हमने पहचान किए हैं जिसका समय भी बहुत थोड़ा बचा है कंट्रैक्टर का और उसकी कलेक्शन भी कोई बहुत अधिक नहीं है। तो इस नाते से 6 जो टोल हैं उनको एक निश्चित तिथि के बाद बंद कर दिया जाएगा, वो मैं आपको बता रहा हूँ। इनका टोल फ्री कर दिया जाएगा, जिसमें 3 तो ऐसे हैं जो 1 नवंबर से ही बंद हो जाएंगे 3 दिन बाद, जिसके अंदर जो डिपार्टमेंट के लोग चला रहे हैं इनको, और डिपार्टमेंट के लोग तो जब चाहे चला सकते हैं जब चाहे बंद कर सकते हैं, इसलिए डिपार्टमेंट का तो कोई हमें दिक्कत नहीं है। वो 3 टोल हैं विलेज बसीरपुर, राजस्थान बॉर्डर के ऊपर है, जो नारनौल जो निज़ामपुर रोड है उसके ऊपर, स्टेट हाईवे नंबर 17। फिर दूसरा विलेज टटियाणा, स्टेट हाईवे नंबर 11 है, ये नियर पंजाब बॉर्डर है कैथल पटियाला रोड पर। और तीसरा है स्टेट हाईवे नंबर 22 विलेज गुजरवास, सुबाना कोसली नाहड़ कनीणा रोड। तो ये तीनों का 1 तारीख से बंद हो जाएगा। अब इसके बाद है जो कंट्रैक्टर चला रहे हैं उसकी डेट ख़त्म हो रही है 9/11 को, वो 10 तारीख को बंद करवा दिया जाएगा, आगे उसका कोई ऑप्शन नहीं होगी। वो है कैथल खनौरी रोड विलेज संगतपुरा, स्टेट हाईवे नंबर 8। इसी प्रकार एक कंट्रैक्टर का कंट्रैक्ट ख़त्म हो रहा है 30 नवंबर को, वो 1/12 को ख़त्म कर देंगे, कालाम सडोरा शाहबाद, ये हिमाचल प्रदेश का जो बॉर्डर है असगरपुर, वहाँ ये लगा है, तो वो भी बंद हो जाएगा। और छठा है विलेज फिरोजपुर, स्टेट हाईवे नंबर 18 रोहतक खरखोदा दिल्ली बॉर्डर वहाँ पर है, ये भी 1/12 को इसको भी बंद किया जाएगा। तो ऐसे 6 के 6 बंद होने के बाद लगभग 13 करोड़ रुपए का इसमें लॉस होगा। लेकिन 13 करोड़ में लॉस होगा तो बाद में जो डिपार्टमेंट ये वो सब लगा है तो वो उसके खर्चे भी कम हो जाएंगे, इसलिए एक निर्णय जो है इन द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक ये लिया गया कि 6 टोल जो हैं इनको इस साल के अंत तक ये बंद हो जाएंगे, कुछ 1 तारीख को 3 और 3 उसके बाद।